लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। चुपचाप हमारी चीज हमें वापस कर दो। चीज? कैसे चीज? वो टॉय कार जो मेरे पास थी, मगर भागते वक्त रास्ते में तुझसे टकराने के बाद मैंने तेरे बैग में डाल दी थी। ये बार बार अपने हाथों से अपनी आंखों को क्यों ढक रहे हो तुम? अंधी लड़की का कहीं वर्षा का फोन तो नहीं था? भगवान, अगर इन लोगों को पता चल गया तो बंटी की जान खतरे में पड़ जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हेलो वर्षा। राजा तुम यहाँ क्यों आए हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। वर्षा, उस टॉय कार के अंदर एक कैसेट है जिसके अंदर डिफेंस का सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। क्या हुआ उस टॉय कार का? उस टॉय कार का अभी तक कुछ पता नहीं चला बॉस। देखो कापड़िया, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी करना होगा अब मैं खुद करूंगा। देखो राजा, हमारा यकीन करो, हम बॉस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। उसने अपना चेहरा देखने का हमें कभी मौका ही नहीं दिया। हाँ राजा साहब, हम उसे आज तक नहीं पहचान पाए। वो बहुत चालाक और खतरनाक किस्म का आदमी है। राजा अभी तक नहीं लौटा रंजो, पता नहीं कहां होगा इस वक्त। रांचो मुझे बहुत डर लग रहा है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। हेलो वर्षा, मैं राजा बोल रहा हूँ। राजा कहाँ हो तुम? अरे भाई तुम क्यों इतना घबरा रही हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं दरअसल जेंगो और कापड़िया को राजा रेंचो की कहानी सुना रहा हूँ। क्या? हाँ देखो भाई, जब तक पुलिस आकर उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर लेती तब तक उन्हें एंटरटेन करना मेरा फर्ज है ना। वर्षा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर सुनो राजा, तुम्हें एक खास बात बतानी थी, लेकिन तुम्हारा मोबाइल नंबर ही नहीं था मेरे पास। अच्छा ठीक है, तुम मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो, 9820090079। अच्छा ठीक है। अच्छा वो खास बात ये है कि जिस टॉय कार की ये लोग तलाश कर रहे हैं वो बंटी के पास है। What? हाँ बंटी वो अपनी अपनी बर्थडे गिफ्ट समझ कर वो टॉय कार ले गया है मेरे बैग से। Oh no. राजा तुम जल्द से जल्द वो टॉय कार उससे हासिल करके अपने कब्जे में ले लो। ठीक है, लेकिन वर्षा तुमने इसका जिक्र किसी और से तो नहीं किया? नहीं। गुड, मैं बहुत जल्द आकर तुमसे मिलता हूँ। और सुनो, रेंचो के खाने का वक्त हो गया है, उसे बहुत भूख लगी होगी, तुम उसे खाना खिला देना प्लीज। तुम चिंता मत करो राजा, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और अभी अपनी मनपसंद मूंगफलियां भी खाने वाला है। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय। रांचो मैं तुम्हारे लिए अभी मूंगफलियां लेकर आती हूँ, तुम यहीं रहना। हाँ
जिमी, पता लगाओ कहीं ये वही लड़की वर्षा तो नहीं। Come on, follow her. ओके, यस मैं आऊँ। मूंगफली वाले, 5 रुपए की मूंगफली देना तो। 5 रुपए ही है ना? हाँ बहन जी, 2 रुपए की मूंगफली देना। तुम्हें इस लड़की का नाम मालूम है क्या? नहीं साहब जी। वर्षा। कौन? माफ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं अपनी छोटी बहन को बुलाया। ऐसे आपका नाम भी वर्षा है क्या? जी हाँ, मेरा नाम भी वर्षा है। I see. Sorry to bother you. It's all right. चलिए वर्षा, very good. Let's follow fast. Come on. रंचो, रंचो देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाई हूँ। मूंगफलियाँ। तुम्हें मूंगफलियाँ बहुत पसंद है ना? अच्छा कोई आया तो नहीं था? कौन कौन है? चुप। तेरी तलाश में हम पहले ही काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं। साफ साफ बता दे कि वो टाइगर किधर है? टाइगर? हाँ, हमें मालूम है कि वो टाइगर तेरे पास है। है नहीं, थी। क्या मतलब? तुम लोगों ने आने में काफी वक्त बर्बाद कर दिया। साफ साफ बता क्या बात है? तुम्हारे आने से पहले 2 आदमी आए थे, वो टाइगर ले गए। ये लड़की, तू सच बोल रही है ना? अगर विश्वास नहीं तो तुम लोग मेरे घर की तलाशी ले सकते हो और वक्त बर्बाद कर लो। शराब। मेरे ख्याल में टाइगर ये सच कह रही है, हमें फौरन जेंगो और कपाड़ियों को पकड़ना चाहिए। एक बात याद रख, मेरा नाम टाइगर है। टाइगर, और मुझसे चालाकी करने वाला ना जी सकता है और ना मर सकता है। समझी? बंटी, बंटी तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अपना वीडियो गेम भूल गया था, वही लेने आया हूँ। अच्छा अच्छा, जल्दी लो और चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे डैडी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। दीदी, आपकी ये टॉय कार मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आई। अरे बेटा रुक जा, रुक जा, घबरा मत बेटा, वो टॉय कार मुझे दे दो, हाँ, दे दो। रंचो, अबे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? बंदर को ले गया, जा। जाएगा। Well done, राजा। इन दोनों देशद्रोहियों की हमें काफी दिनों से तलाश थी। Thanks a lot. ये तो मेरा फर्ज था सर। वैसे मेरे हिसाब से ये दोनों इस शतरंज की बिसात के सिर्फ मोहरे भर हैं। देश की सुरक्षा को असली खतरा तो इनके बॉस थे। मैं जानता हूँ, इन्होंने बॉस का नाम बताया कि नहीं? नहीं सर, ये दोनों खुद भी नहीं जानते कि इनका बॉस कौन है
और कहां रहता है। कापड़िया के बयान के मुताबिक इसके बॉस ने इसे एक मोबाइल दे रखा था, वो जब चाहता था इसे मोबाइल पर कॉन्टेक्ट कर लेता था। कहां है वो मोबाइल? सर वो मोबाइल इस वक्त मेरे पास है, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ कहो। ये मोबाइल कुछ दिन के लिए मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। क्यों? इससे मुझे इस केस में बहुत मदद मिलेगी। और दूसरी रिक्वेस्ट यह है सर के जेंगो और कापड़िया गिरफ्तार हुए हैं, इस बात की खबर आपके और मेरे अलावा किसी और को नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगी। इट विल बी अ टॉप सीक्रेट। थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं अब जाना चाहूंगा क्योंकि मुझे फॉरन रेंचो और वर्षा के पास पहुंचना है। यू कैन। थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय हिंद। चलो ले चलो इन्हें। कम ऑन कम ऑन। आपकी दुश्मनी मुझसे है, आप बेशक मुझे पकड़ के रखिए, लेकिन लेकिन बंडी को छोड़ दीजिए। मुंह बंद रखो अपना। तुम दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जब तक वो टॉय कार मुझे नहीं मिल जाती, समझे? बंडी। क्या वजह में वो बंदर मिला? नहीं टाइगर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो बंदर नहीं मिला। खबरदार अपने दोनों हाथ ऊपर करो राजा, वरना इस बच्चे का भेजा इसकी खोपड़ी से बाहर निकाल दूंगा। हैंड्स अप। ऑलराइट, ओके, कूल डाउन। पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम कौन और चाहते क्या? ये जानना तेरे लिए जरूरी नहीं है राजा, सिर्फ ये जरूरी है कि एक मिनट के अंदर तुम अपने उस पालतू बंदर को यहां बुलाओ और टॉय कार हमारे हवाले कर दो। अच्छा, और अगर मैं ऐसा करने से इनकार कर दूं तो? इस बच्चे और इस लड़की का खून तेरे सर पे होगा। वक्त बर्बाद मत कर राजा, वरना इन दोनों को अभी यहीं पे खत्म कर दूंगा। ऑलराइट, एक मिनट। रेंचो, वो टॉय कार इनको दे दो। रुको एक मिनट, पहले तुम बंटी को मेरे पास भेजो फौरन। मैं जानता हूं राजा कि तुम बहुत शातिर जासूस हो। लेकिन पहले टॉय कार यहां, बाद में ये बच्चा। हाँ ठीक है, रेंचो दे दो कार। गुड रेंचो। आप बंटी को मेरे हवाले कर दो। राजा तुम क्या समझते हो कि मैं बेवकूफ हूं? ये बच्चा तो मेरी सिक्योरिटी शील्ड है। हाँ कम ऑन जिमी, लेट्स मूव। खबरदार थैले से बाहर हाथ निकालो। अरे भाई तुम दोनों लोग मेरे रेंचों से क्यों इतना घबरा रहे हो? वो अपने खाने के लिए मूंगफली निकाल रहा है भाई, तुम लोगों को मारने के लिए रिवॉल्वर नहीं। सारा जिमे चल ले ले। बंटी बजो बजो आगे ले रहा। ओ फिश रेंचो, ये लोग बच्चे को लेकर भाग गए हैं, तुम्हें इनका पीछा करना है। और सुनो, रास्ते में मूंगफली खाते रहना, एंजॉय योर सेल्फ, समझ गए ना? मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, गो। भी होगा ठीक ही होगा वर्षा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, भगवान पर भरोसा रखो। और फिर मैंने रेंचो को तो उनके पीछे भेज ही दिया, उसने अब तक अपना काम कर ही लिया होगा, और अब मैं जा रहा हूं, अब देखना। टेक केयर। वेल डन रेंचो, आ रहा हूं मैं।
खिलाड़ी उसके घर न पहुंचने पर परेशान होंगे। बंटी, बंटी, बंटी बाबा तो घर पे नहीं है साहब। कहाँ गया? वो अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी की दावत देने गए। ओ ऐसे। अच्छा उससे कहना कि मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, पार्टी टाइम तक आ जाऊंगा। जी साहब। ओके। हेलो। हेलो मिस्टर जेटली। स्पीकिंग। जी मैं वर्षा बोल रही हूँ, आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। ओहो मेरे बेटे बंटी की पेंटर दीदी। हाँ कहिए। जी बंटी अभी कुछ देर पहले यहाँ पे आया था। हाँ। वो अपने बर्थडे के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट करने गया है और मुझसे कह गया है कि आपको फोन करके बता दूँ कि वो उसे आने में कुछ देर हो जाएगी। ओह आई सी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब मैं क्या करूं? काश काश राजा बंटी को जल्दी छुड़ा ले आए। जो कोई भी हूं तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम फिक्र करो अपनी जान की। क्या चाहते हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या चाहता हूं। देखो लड़की, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वो टॉय कार मेरे हवाले कर दो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। वो टॉय कार मेरे पास नहीं है। अभी 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 दो बदमाश आए थे, वो कार मुझसे छीन कर ले गए। दोनों क्या मर्द थे? कितनी देर हुई उन्हें गए हुए? अभी अभी दो मिनट पहले। ठीक है, देखो लड़की मैं जा रहा हूं, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं वापस आऊंगा और मेरे साथ आएगी तुम्हारी मौत। समझ गई?